जो रहते हैं उजालों में, जो रहते हैं अंधकार में, जो रहते हैं शब्दों में, जो रहते हैं निशब्द में, जो रहते हैं ब्रह्मांड के शून्यताओं में, जो रहते हैं पृथ्वी के परिपूर्णताओं में, वो रहते हैं बच्चों के किताबों में, वो रहते हैं साधु के रुद्राक्ष में। अंधे का आँख है वो, लंगड़े का वैसाखी है वो, जन्म मृत्यु जीवन यौवन सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र, इस संसार के जीवन मृत्यु चक्र में सदा सर्वदा वो ही विद्यमान है, जो है जगत के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ। दोस्तों, ओडिशा अपने जगन्नाथ मंदिर को लेकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों करोड़ों संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पर क्या आपको पता है पुरी में जगन्नाथ संस्कृति कैसे शुरू हुआ, उसके पीछे की कहानी क्या थी, और क्या है ब्रह्म पदार्थ जो प्रभु जगन्नाथ को जीवित रखता है, जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। कहा जाता है कि मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे। उनके राजधानी का नाम था अवंती और वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आ पहुंचे और कहने लगे, राजन, ओडिशा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नील माधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह ओडिशा के कौन से हिस्से में है ये आपको पता लगाना पड़ेगा। ये बात सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वे ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करें। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति ओडिशा भ्रमण करने निकल पड़े। बड़े ही लंबी यात्रा के बाद जब विद्यापति ओडिशा पहुंचे, तब उन्हें कुछ गुप्त चोरों के माध्यम से पता चलता है कि सबरों के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। ये बात सुनते ही विद्यापति विश्ववासु के सामने विनती करने लगे कि वे उन्हें देव पूजा की स्थान दिखाएं, लेकिन कबीले के सरदार ने साफ साफ इनकार कर दिया। विद्यापति उसी गांव में कुछ दिन के लिए रहने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें विश्ववासु के बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपने पत्नी को नील माधव की सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को मनाने के लिए कहा। अब बेटी की जिद को देखते हुए आखिर विश्ववासु भी मान गए, लेकिन एक शर्त पर, कि विद्यापति के आंखों में पट्टी बांधकर लिया जाएगा। पर विद्यापति बड़े ही चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले गए थे और गुप्त गुफा तक पहुंचने के रास्ते को याद रखने के लिए रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति ने आंखों से पट्टी निकालकर नील माधव की दिव्य छवि को देखा, तब वे उन्हें देखते ही रह गए। गुप्त गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा को सब कुछ बताया और राजा ने भी अपने प्यारे भगवान के दर्शन के लिए तुरंत निकल पड़े। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति के साथ गुप्त गुफा में पहुंचे, तब उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा निराश होकर महल में लौट आए, पर उसी रात को उनके सपने में जैसे देवलोक से कुछ संदेश आया था कि वे पूरी जाएं और लकड़ी के एक दारू को बाहर निकाले जो पानी में तैर रहा होगा। राजा ने भी इस संदेश का पालन किया और उन्हें पुरी के समुद्र तट में सच में एक लकड़ी का तना तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजा के सेवकों के लाख कोशिशों के बाद भी कोई भी उस लकड़ी के दारू को उठा नहीं पा रहा था। अंत में कबीले के सरदार विश्ववासु के सहायता से उस दारू को महल में लाया गया, परंतु उस लकड़ी के दारू में से कोई भी कारीगर नील माधव की छवि तराश नहीं पा रहे थे। कहते हैं कि जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया, तब देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ाई के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वे मूर्ति निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त पर, कि वे भगवान विष्णु के मूर्ति को 21 दिन में बनाएंगे और अकेले ही बनाएंगे और कोई भी उनके काम में बाधा ना डाले। राजा ने ये सभी शर्त मान लिया।
लोगों को सिर्फ आरी, छेनी और हथौड़ी इत्यादि की आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन 15 दिन बाद जब रानी को कोई भी शब्द सुनाई नहीं दिया तब वे घबरा गए। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा कारीगर शायद भूख प्यास से मर गया होगा। इसीलिए रानी गुंडीचा ने दरवाजा खोलने के लिए राजा के सामने जिद किया। आखिर में दरवाजा खोला गया और राजा ने देखा कि वो बूढ़ा कारीगर जैसे गायब हो गया है और अपने पीछे आधा बना 3 मूर्ति छोड़ गया है, जो आज प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के रूप में पुरी के श्री मंदिर में पूजे जाते हैं। आपने देखा होगा जगन्नाथ के हाथ पैर आधा बना हुआ है, जिसका कारण यही बताया जाता है। कहते हैं कि द्वापर युग में कृष्ण की लीला एक सबर के हाथों समाप्त हुई थी और कलयुग में नीलमाधव की यात्रा शुरू हुई थी और एक सबर विश्ववासु के हाथों। दोस्तों, क्या आपको पता है प्रभु जगन्नाथ को भी बुखार होता है, उनको भी दवाई दिया जाता है। कभी कभी ठीक हो जाते हैं पर कभी कभी नहीं। उनका पुनर्जन्म होता है, जिसे कहा जाता है नवो कलेवर, जो हर 8 साल, 12 साल या 19 साल में एक बार होता है। इन दिनों ओडिशा सरकार पुरी में अंधकार का ऐलान करते हैं और कुछ खास पुजारी आंखों में लाल कपड़ा और हाथों में लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमयी चीज को निकालकर नई मूर्ति में लगा देते हैं, जिसे कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म जो जीवन का प्रमाण देता है, जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा होते हैं, उसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ के शरीर में रहता है ब्रह्म या परमात्मा। यही कारण है कि प्रभु जगन्नाथ दुनिया के एकमात्र जीवित ठाकुर हैं। वो जो भक्तों के पुकार सुनता है, समझता है और इच्छाओं को भी पूरा करता है। ब्रह्म को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं, भक्त हो या संत, खोज करता हो या शोध करता, हर कोई ब्रह्म के सच्चाई जानना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दूं, आज तक किसी को भी नहीं पता आखिर ये ब्रह्म है क्या। कुछ लोगों के अनुसार ये श्री कृष्ण या बुद्ध के अवशिष्टांश हैं और कुछ लोगों के अनुसार ये एक तांत्रिक शक्ति या फिर एक पौरालौकिक शक्ति है और कुछ लोगों के अनुसार ये एक पवित्र आभूषण या फिर एक दुर्लभ पदार्थ है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी तब एक सबर ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था, लेकिन उस वक्त श्री कृष्ण का दिल अथवा हृदय आग में जला नहीं था, जिस वजह से सबर ने उस हृदय को लकड़ी के गुच्छे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया था, जो फिर बहते बहते पुरी के समुद्र तट में पहुंचा और जहां से फिर राजा इंद्रद्युम्न प्रभु के मूर्ति निर्माण कर पाए थे। यह था प्रभु जगन्नाथ के मूर्ति निर्माण की कहानी। अगर आप ब्रह्म के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो का टारगेट है 10,000 लाइक। मुझे पता है आप लोग कर सकते हैं, तो जल्दी से लाइक कर दो और कुछ करो ना करो मुझे नहीं पता, लाइक करो जल्दी। थैंक यू।